हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके ट्रिक में। दोस्तों, हमने जो सामान्य विज्ञान के 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, उसका हम पार्ट नंबर 26 आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट जनरल साइंस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको नया नया सीखने को मिले। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1251 लेंगे दोस्तों। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों क्रायोलाइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1252 ले लेंगे दोस्तों। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो दोस्तों एक हेक्टेयर जो होता है वह 2.47109 एकड़ के बराबर होता है, यानी कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1253, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में होता है? तो दोस्तों एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1254, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1255, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1256 है दोस्तों, दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, जिसमें फसलों को पंक्ति अनुपात रखा जाए, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना और फसलों की पंक्ति का अनुपात रखा जाए, तो दोस्तों यह होती है सह फसल पद्धति या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1257, मॉर्फिन के पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मॉर्फिन जो है पुष्पकली या कैपरस्यूल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1259, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों गैस का दाब मैनोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1260, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो दोस्तों यह है हॉर्स वल्गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1261, ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग से प्रभावित है? तो दोस्तों यह आंख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1262, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता में क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि आसानी से जो उसमें घुलनशील पदार्थ है वो घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1263, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1264, ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो दोस्तों ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए जो उत्तरदायी है वह ऑर्जीमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1265, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1266, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो दोस्तों चमगादड़ जो होते हैं वह परावर्तकीय तरंगों की सहायता से रात में आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे, आप इन्हें एक तरह से रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1267, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है क्वांटसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1268, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1269 लेंगे दोस्तों, एम्पियर सेकंड मात्रक है? तो दोस्तों आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1270, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित रोग है दोस्तों ट्रैकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1271, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1272, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो दोस्तों फिटकरी जो गंदे पानी को स्वच्छ करती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है उपचयन द्वारा, ठीक है, उपचयन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1273, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1274 है दोस्तों,
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1275 ले लेंगे दोस्तों। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो दोस्तों हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों गाड़ी में ड्राइव वो हैंडल का यूज किया जाता है, वैसे ही पक्षियों की पूंछ का काम है उनको दिशा परिवर्तन करने में, संतुलन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1276। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो दोस्तों विद्युत धारा की माप करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1277। तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो दोस्तों द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य है तापायनिक उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1278। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1279। बेरी-बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों बेरी-बेरी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1280। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए अपने उसमें, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यह विधि है यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1281। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो दोस्तों यह कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1282। मैंगनीन अथवा कास्टिनन को प्रमाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंगनीन अथवा कास्टिनन को प्रामाणिक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1283। जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्लीय क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो दोस्तों जल की विद्युत चालक बनाने के लिए थोड़ा वैद्युत अपघटन मिलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1284 ले लेंगे दोस्तों। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस का नाम क्या है? तो दोस्तों यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र है दोस्तों CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1285। शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों फ्रक्टोज शहद का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1286। कैलोमीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो दोस्तों यह जिंक का प्रमुख अयस्क है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1287 है दोस्तों। सिग्नल आवृत्ति या श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यह मारुलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1288। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों एसिडोवेक्टर एसिटी सिरका उद्योग में जीवाणु प्रयुक्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1289 लेंगे दोस्तों। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों यह आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1290। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यह उत्पन्न होती है ओजोन, और ओजोन का सूत्र है दोस्तों O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1291। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो दोस्तों फ्रिक्शन या घर्षण की कमी के कारण बर्फ पे चलने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1292 लेंगे दोस्तों। लेजर का फुल फॉर्म, तो दोस्तों यह है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 1293 है दोस्तों। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉलिन। क्वेश्चन नंबर 1294। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों यह मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1295। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयनीकरण आवश्यक है? तो दोस्तों यह है गलगन रोग या गोइटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1296। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों यह होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1297। पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1298। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले थे एंडरसन, और यह खोज की गई थी दोस्तों 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन कवर हो गए, किस सन में भी थी और किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1299। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? दोस्तों यह है न्यूक्लियर रिएक्टर। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों यह पृथक होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है, अगर आपको कहीं पे कुछ कमी लगती है तो हमें बताइए दोस्तों, हमें कमेंट कीजिए ताकि हम इसमें सुधार करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको नया नया सीखने को मिले। लास्ट में दोस्तों आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।